क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर जो क्वेश्चन 93 तक सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये अल्टीमेटली इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबकी वेटेज जो है एग्ज़ाम में 8 मार्क्स की है, और इसमें मोर ओवर ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए भी होंगे। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो क्वेश्चंस हैं 76 से लेकर 93, तो कम से कम इनकी प्रैक्टिस आपको 10 बार करनी पड़ेगी इन सारे क्वेश्चनों की, तब जाके फिर आपका इस चैप्टर का जो 8 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा वो प्रिपेयर हो पाएगा। तो जो ये क्वेश्चंस की लिस्ट है, ये सारे के सारे 8 मार्कर्स की क्वेश्चंस की लिस्ट है, ठीक है ना। तो हम उसमें से आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। डोगरा लिमिटेड हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपी 1 करोड़ divided into equity share of rupee 100 each. The company offered 84,000 shares to the public at premium. The amount was payable as follows: on application 30 rupees, on allotment 40 rupees including premium, on first and final call 50 rupees. Applications were received for 80,000 shares. ठीक है, पहले यहाँ पे रुक के देखना एक चीज। कंपनी ने ऑफर करे थे 84,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई वो रिसीव हुई सिर्फ 80,000 शेयर्स के लिए। मतलब कंपनी ने कहा कि हम 84,000 शेयर्स दे सकते हैं, लेकिन लोगों ने अप्लाई करे सिर्फ 80,000 शेयर। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ऑल द सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। पहला बदमाश लखन, ए होल्डर ऑफ 200 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। दूसरा बदमाश पारस, ए होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे कॉल मनी। द कंपनी फोरफिटेड द शेयर्स ऑफ लखन एंड पारस। सब्सिक्वेंटली द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर रुपी 80 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब हो गया 100 रुपये। अब शो द एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी। तो कैश बुक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, जब क्वेश्चन के अंदर कैश बुक बोलता है बनाने के लिए, तो बैंक वाली एंट्री हमको नहीं करनी पड़ती। आउटसाइड दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट। ठीक है, तो वही एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, तो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। तो पहली चीज तो ये बच्चों की क्वेश्चन के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स माने जाएंगे कंपनी के, 80,000 शेयर्स। तो कंपनी ने ऑफर तो करे थे 84,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने कितने अप्लाई करे, सिर्फ 80,000 शेयर्स। तो हमेशा हमको अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में खाली 80,000 शेयर्स से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फटाफट से कहानी बना लेते हैं इधर, ताकि डिस्कशन आसान हो जाए हमारा। 100 रुपये का शेयर है, लेकिन उसमें प्रीमियम कितना है ये क्वेश्चन ने नहीं बताया फिलहाल। फिर उसने आपको ये ब्रेकअप दे रखा है कि 30 रुपये जो है वो एप्लीकेशन के हैं। फिर उसने ये ब्रेकअप दे रखा है आपको कि 40 रुपये अलॉटमेंट के हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि प्रीमियम है कितना, तो मैं अभी लिख नहीं सकता कि अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे प्रीमियम की वैल्यू बता नहीं रखी, तो मैंने ये गोला भी छोड़ दिया। फिर क्वेश्चन ने हमको बता रखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपये की है, तो आप इसको फर्स्ट कॉल लिख सकते हो। तो अब ब्रेन टीजर, तो इसका मतलब अलॉटमेंट में कितना बच गया, 20। तो 20 फेस वैल्यू अलॉटमेंट पे बच गया, और उसने आपको अलॉटमेंट की वैल्यू 40 दे रखी है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो दैट मींस प्रीमियम कितना होगा, 20 होगा। तो आपको इस प्रकार से पता लगा कि अलॉटमेंट अगर 40 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में और 20 रुपये फेस वैल्यू बच रहा है, तो दैट मींस 20 रुपये प्रीमियम होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ब्रेन टीजर लगाना पड़ा है। फिर आपको ये दे रखा था कि एक बदमाश है लखन नाम का, फटाफट से ऐसे लिख लेते हैं लखन नाम का, इसके पास है 200 शेयर्स, इसके बारे में दे रखा है टिक क्रॉस क्रॉस। और दूसरा बदमाश है पारस नाम का,
इसके पास हैं 400 शेयर्स और इसके बारे में दे रखा है टिक टिक क्रॉस। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि वो जो बता रखा है कि लखन ने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए और पारस ने खाली कॉल के पैसे नहीं दिए, ये हमको बता रखा है। और फिर बाद में दोनों के ही शेयर्स फोरफीट हो गए, लखन के भी और पारस के भी, और कंपनी ने सब्सिक्वेंटली लिखा था इन फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर दिया है, मतलब 600 शेयर्स बाद में रीइशू हो गए। कितने रुपए के रीइशू हो गए हैं? 80 रुपए के रीइशू हो गए हैं और लिखा था फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब हो गया 100 रुपी पेड अप। तो इस प्रकार का ये आपका सवाल आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये तो खैर हमारे नॉर्मल एक वर्किंग है, इसका कोई काम नहीं है हमें, तो हम अपना सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर। पर पहले क्वेश्चन सबको समझ आ गया? क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट किसी को? अब एग्जाम का सॉल्यूशन ध्यान से देखना कि कैसे आपको करना पड़ेगा प्रिपेयर। आपको एक तो पहले बनानी पड़ेगी कैश बुक, ब्रैकेट में लिखना है बैंक कॉलम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है आपको कैश बुक बना के दिखाओ। तो एक तो बनानी है हमको कैश बुक। तो एक ढांचा आप कैश बुक का बना लो। और बाकी फिर उसके नीचे जर्नल, ठीक है। तो एक ढांचा कैश बुक और उसके नीचे जर्नल, तो दो चीजें प्रिपेयर करने को बोला है क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से करेंगे। तो अब ये बताओ, सबसे पहले बन गया ढांचा? बना लो। अच्छा, फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं हम? सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना, ये करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन यहाँ लिख नहीं सकता क्योंकि मुझे बनाना है कैश बुक या बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आप एंट्री में नहीं लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आपको कैश बुक में लिखना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक क्वेश्चन ने बोला है प्रिपेयर करने को, ठीक है। तो नियम ये होता है कि हम कोई भी बैंक अकाउंट इसमें एंट्री में नहीं लिख सकते। पहले क्लियर हो गए? बस बाकी पीछे से देख लेते हैं। 80,000 इंटू 30 रुपए 24 लाख, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री इधर आ गई, कैश बुक के अंदर आ गई। फिर आप सेकेंड एंट्री क्या करते हो? वेरी गुड। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख। फिर थर्ड एंट्री आप क्या करते हो नेक्स्ट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है? 40 रुपए, यानी 32 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 16 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 16 लाख। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 32 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 16 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 16 लाख, ठीक है, क्लियर। यहां से तो कोई डाउट नहीं है, 20-20 रुपए अलग अलग लिखना पड़ेगा ना। फिर आप नेक्स्ट एंट्री वैसे क्या करते हो? चलो रफ में मुझे बता दो, नेक्स्ट एंट्री
हाँ, ये अभी आप मत लिखना, मैं रफ में लिख रहा हूँ। तो वैसे आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपको वैसे नॉर्मल एंट्री करनी होती तो आप ये एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर नॉर्मल करनी होती। और एक बार इसके अमाउंट भी निकाल के देखते हैं बच्चों जी। लखन के पास 200 शेयर हैं और लखन ने अलॉटमेंट के 40 रुपए दिए नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख लेता हूँ। इसका मतलब 200 शेयर इंटू 40, 8000 रुपए। इसका मतलब लखन ने 8000 रुपए नहीं दिए हैं। सबको समझ आया? कोई डाउट? तो इस एंट्री के हिसाब से अगर आपको लिखना होता तो आपकी एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट 31,92,000, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 32,00,000, अगर एंट्री पूरी करनी होती तो। मेरी बात क्लियर? लेकिन नियम ये कहता है कि हम बैंक अकाउंट डेबिट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हम ये तो बना रहे हैं कैश बुक। तो इतना पोर्शन बैंक अकाउंट डेबिट 31,92,000 तो कहाँ पोस्ट करोगे आप? बोलो कहाँ पोस्ट करोगे? डेबिट साइड में, कैश बुक के अंदर। तो लिखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 31,92,000। तो वो आप एंट्री लिख नहीं सकते बैंक अकाउंट, वो आपको कैश बुक के अंदर ही पोस्ट करना पड़ेगा। बातें शुरू? मैं देख रहा हूं तुम को। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो है वो तो चला गया कैश बुक के अंदर। अब क्या बची एंट्री? कितनी बच गई खाली खाली? कॉल से नरियर डेबिट। तो वो हमारी मेन एंट्री मेन सॉल्यूशन में आ जाएगी, कॉल से नरियर अकाउंट डेबिट 8000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8000, क्योंकि 31,92,000 तो कैश बुक में चले गए और बस 8000 की आपको एंट्री दिखानी पड़ेगी नीचे। तो आप कंप्लीट एंट्री नहीं लिख सकते, क्योंकि कंप्लीट एंट्री में बैंक अकाउंट भी आता है, तो बैंक अकाउंट तो ऊपर चला गया कैश बुक के अंदर और रिमेनिंग एंट्री नीचे रह जाएगी जर्नल के अंदर। ठीक है? तो अब ये सब बच्चों को समझ आ गया पॉइंट की क्या बात का ध्यान रखना है? सबको क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री क्या करते हो? कॉल्स के बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की है फर्स्ट कॉल? 50 रुपए की। तो 50 रुपए का मतलब हो गया 40,00,000 रुपए, 40,00,000 रुपए। फिर उसके बाद अगली एंट्री वैसे क्या करते हो? एक बार रफ में बताओ वैसे क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। वैसे अगर नॉर्मली करते तो ये एंट्री करते, इसके अमाउंट भी निकाल लेते हैं एक बार। ये भी आप मत लिखना है, तो मैं रफ में कर रहा हूँ। अब हमको ये देखना है कि फर्स्ट कॉल में कितने रुपए हमको नहीं मिले। लखन के हैं 200 शेयर, उसने 50 रुपए नहीं दिए, तो मैं नीचे छोटा सा लिख रहा हूँ 10,000। और पारस के हैं 400 शेयर, उसने भी 50 रुपए नहीं दिए, तो मैं नीचे छोटा सा लिख रहा हूँ 20,000। सबको क्लियर? तो इसका मतलब लखन ने 10,000 नहीं दिए, पारस ने 20,000 नहीं दिए, तो कितने रुपए कॉल से नरियर नहीं मिला? 30,000। तो यानी कि बैंक में मिले 39,70,000। तो अगर आपको एंट्री रफ में करनी होती तो यही करते पहले। ये सबको क्लियर हो गया? अब नियम क्या है कि भाई बैंक अकाउंट जो डेबिट है उसको तो कहाँ लिखना पड़ेगा? कैश बुक में। तो कैश बुक में डेबिट साइड में पोस्ट कर देते हैं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 39,70,000। और क्या एंट्री रिमेनिंग बच गई मेन आंसर के लिए? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो पहले मुझे बस अब यहां तक बताना है कि यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या, यहां तक क्लियर सब बच्चों को? क्योंकि अब हम शेयर्स फिर फोरफीट करेंगे, फिर अब आगे कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास वाला आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब उसने क्वेश्चन ने कहा था कि अब हमने लखन के भी और पारस के भी दोनों के शेयर्स फोरफीट कर दिए, तो आपको एक ही जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, आप दो दो एंट्रियां नहीं कर सकते। तो पहले एंट्री लिख लो मेरे साथ, फिर आपसे पूछूंगा अमाउंट। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री तो हो गई है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। चलो साथ ही कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, आपको याद नहीं होगा ना, नहीं तो। तो देखो बच्चों, लखन के भी शेयर फोरफीट हो रहे हैं और पारस के भी शेयर फोरफीट हो रहे हैं, तो टोटल मिला के कितने शेयर फोरफीट हो रहे हैं? 600 शेयर फोरफीट हो रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में तो लिखते थे कॉल्ड अप फेस वैल्यू 30 और 20, 50 और 50, 100, तो 600 शेयर और 100 रुपए, तो कितना रुपया हो गया? 60,000। ओके, अब डाउट बता देना कि अगर है तो, ये क्लियर। फिर एसपीआर में आपको ये सिखाया था कि प्रीमियम बच्चों वही लिखना है जो रिसीव ना हो, जो रिसीव ना हो। अब आप ध्यान से देखना, लखन के 200 शेयर्स हैं, अब लखन के 200 शेयर्स हैं, लखन ने प्रीमियम मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया, तो लखन ने प्रीमियम नहीं दिया, लेकिन पारस ने तो दे दिया ना, तो पारस के लिए तो आप इग्नोर कर दोगे, पारस को छोड़ दोगे, लेकिन लखन ने अपने 200 शेयर पर प्रीमियम के पैसे नहीं दिए, तो आपको खाली खाली लखन के पैसों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी खाली 200 शेयर्स पर आपको 20 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, 4,000 रुपए। तो खाली खाली आप लखन के 200 शेयर्स पर ही एसपीआर रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि प्रीमियम आपको कौन सा रिसीव करना होता है? जो आपको रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव। ये क्लियर हो गया सब बच्चों? फिर पहले मैं नीचे वाला भर रहा हूं, पहले मैं कॉल से नरियर भर रहा हूं, क्योंकि ये आसान होता है भरना। अब कॉल से नरियर आपने निकाल रखा है 8,000 ये और 30,000 ये, तो 8 और 30 कितना हो गया टोटल? 38। तो सीधा सीधा कॉल से नरियर में आप 8 और 30 मिला के 38 यहां पर लिख सकते हो, क्योंकि हमको पता ही है कि ये पैसे हमको नहीं मिले दोनों के। क्लियर। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को आप एज ए बैलेंस की तरह भी यहां पर निकाल सकते हो, ये फायदा है बिना दिमाग लगाए। तो डेबिट का टोटल है 64, 64 में से 38 माइनस कर दो 26, तो आप इसमें 26,000 लिख लो। तो अब इसमें कोई डाउट, इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर हो गया? तो शेयर फॉर फ्यूचर सबको क्लियर हो गया एंट्री। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन ने बोला था सब्सीक्वेंटली कंपनी ने 600 शेयर्स रीइशू कर दिए हैं 80 रुपए के, कॉमा रुपी 100 पेड अप। तो अगर मुझे करनी होती, अभी मैं रफ में कर रहा हूँ पहले, अगर मुझे करनी होती रीइशू की एंट्री, तो मैंने आपको ये सिखाया था कि बैंक अकाउंट में तो आप लिखते हो रीइशू का प्राइस, फिर जगह छोड़कर
टू इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखते हो जो आपको पेडअप दे रखा है, कितने रुपए दे रखा है पेडअप? 100 रुपए, ये सिखाया था ना। तो इसका मतलब 20 रुपए आपके डेबिट में जो हैं उसको क्या बोलोगे आप? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो पहले सबको रीशू की है, ये पॉइंट याद आ गया। और फिर मैंने कहा था कि इंटू कर देते हैं जितने शेयर्स हम रीशू कर रहे हैं, तो इसमें तो 600 ही शेयर्स हम रीशू कर रहे हैं। तो आपकी एंट्री जो बनती, अगर बनाते रफ में बनाते, तो वो बनती बैंक अकाउंट डेबिट 48,000, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 12,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000। यही बनाते अगर रफ में बनाते, पहले यहां तक क्लियर? पर क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमारा नियम हमको क्या कहता है कि बैंक अकाउंट डेबिट के ये जो 48,000 है इसको आप कहां पोस्ट करोगे? बोलो, इसको कहां पोस्ट करना पड़ेगा? आपको कैश बुक में पोस्ट करना पड़ेगा, डेबिट साइड। तो मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? कोई भी डाउट इसमें तो नहीं? तो बैंक अकाउंट डेबिट को आपको डेबिट में इधर पोस्ट करना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 48,000, क्योंकि आप पूरी एंट्री कर नहीं सकते, नियम है, कैश बुक बनाते समय नियम है। तो आपको 48,000 को तो कैश बुक में लिखना पड़ेगा, आप बैंक अकाउंट डेबिट ये एंट्री के अंदर शो नहीं कर सकते। क्लियर हो गया पॉइंट? तो क्या एंट्री बच गई बस? शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 12,000, तो वो आपकी मेन एंट्री आ जाएगी आंसर में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 12,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000, क्योंकि बचे हुए 48,000 बैंक वाले तो हम कैश बुक के अंदर डाल चुके। तो आपके मेन आंसर के अंदर जो एंट्री बचेगी वो खाली यही बचेगी। ये सब बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? इस पर क्या बनाते थे? टू, याद है ना, वन और टू। तो फिर इसके बाद लास्ट एंट्री, यहां तक नोट हो गया, बढ़े आगे। तो लास्ट एंट्री क्या होती थी बताओ आप? वो मैं इधर लिख देता हूं छोटा सा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और यहां पे उसकी वर्किंग सॉल्व करके दिखा देता हूं। अब इसमें आपके मजे आ गए बच्चों, क्योंकि इसमें वन अमाउंट है 26,000 और इसमें 600 ही शेयर्स रीइशू हो रहे हैं और 600 ही फोरफीट हो रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती, कोई टेंशन नहीं है अपने को। और माइनस टू अमाउंट है 12,000, तो 26,000 में से 12,000 माइनस कर दो तो क्या बचा? 14,000। तो लास्ट एंट्री का आपका अमाउंट आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में 14,000। तो ये आपकी लास्ट सॉल्यूशन वाली एंट्री रहेगी, ठीक है? क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब आते हैं कैश बुक पर। ये जो खुली पड़ी है कैश बुक, तो इसका आपको टोटल करना है। तो वो टोटल आप बताओ क्या आ रहा है? करो टोटल, क्या आ रहा है टोटल? 96 लाख, 96,10,000। तो इधर भी लिख लो 96,10,000। और बाय बैलेंस सीडी, तो आपका बैलेंस भी बच गया 96,10,000। वही जैसे छोटे बच्चे लिखते थे, टोटल करा और बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी 96,10,000। ठीक है, तो क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन पहला? तो जिस बच्चे ने 2015 में कंपार्टमेंट का पेपर दिया था, जो बच्चा बेचारा पूरे साल पढ़कर ना पास हो पाया, उस बच्चे को 8 नंबर के लिए ये सवाल करना था 2015 के अंदर, ठीक है? तो ये 2015 का कंपार्टमेंट का सवाल कर रहा था। चलो ठीक है, समझ आ गया सबको?
ठीक है, एक और करेंगे बच्चों, आज ऐसे ही करने बड़े बड़े सवाल आज सारे। अब एक नेक्स्ट करेंगे आप और मैं, अब हम एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। चलो ठीक है, बस बात ही नहीं करना बच्चों, मेरे साथ साथ पढ़ो, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 77 पर आप एक स्टार लगा लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम फॉर ₹2 पर शेयर, पेबल एज अंडर, एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5, फर्स्ट कॉल ₹2, सेकेंड कॉल ₹2। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर, तो इसको क्या बोलते हैं सिचुएशन को, ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, तो कंपनी ने सभी को प्रोराटा बेसिस पर शेयर दे दिए। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो कंपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेगी, तो वो तो हम वैसे भी एक करते हैं। रोहन टू हुम 4,800 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे फॉर टू कॉल्स, रोहन के पास 4,800 शेयर्स थे और उसने हमको दो कॉल्स नहीं दी। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल, बाद में कंपनी ने रोहन के शेयर्स को फोरफिट कर दिया। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीशूड टू टीना एज फुल्ली पेड एट ₹7 पर शेयर, बाद में कंपनी ने उन शेयर्स को ₹7 में रीशू कर दिया और एज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड का मतलब ₹10। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री एंड शो द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट, तो अभी कंपनीज बैलेंस शीट तो हमको शो नहीं करनी, तो हमको खाली करनी है जर्नल एंट्री। तो मैं फटाफट से एक बार क्वेश्चन आपके सामने इधर बना रहा हूं। ₹10 का शेयर है, ₹2 का प्रीमियम है, ₹3 हैं एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के बताओ कितने, थ्री और प्लस टू अलग हैं, फर्स्ट कॉल के टू और सेकंड कॉल के भी ₹2। फिर इधर है एक ही बदमाश है इस सवाल में, और जिसके पास हैं 4,800 शेयर्स, इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दिया लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, तो कंपनी ने इसके शेयरों को सेकंड कॉल के बाद फोरफीट कर दिया और बाद में कंपनी ने ये शेयर्स रीइशू कर दिए कितने रुपए के, ₹7 के। तो ये तो हो गई इधर की कहानी, और बाकी टोटल एप्लीकेशंस की कहानी मैं इधर बना लेता हूँ फटाफट। टोटल एप्लीकेशंस कंपनी को मिली 1,60,000, और सीधा सीधा लिखा है कि कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स उनको अलॉट करके दे दिए, जिसको आप बोलते हो प्रो राटा। तो टोटल एप्लीकेशन कंपनी को कितनी रिसीव हुई, 1,60,000 शेयर्स की, और कंपनी ने उनको अपने सीधे सीधे सारे शेयर्स 1,20,000 अलॉट कर दिए, तो जिसको आप बोलते हैं प्रो राटा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो पहले वर्किंग नोट बनवा रहा हूं, हालांकि एग्जाम में वर्किंग नोट बाद में बनाते हैं, पर मुझे एक छोटा सा वर्किंग नोट आपको प्रो राटा वाला जो करवाना है वो साथ साथ करवा रहा हूं। तो पहले सवाल क्लियर हो गया जो बनाया, क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं किसी, तो बस ये वर्किंग करनी होती है, छोटी सी वर्किंग होती है, ज़्यादा भी नहीं, 2 मिनट में हो जाती है। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि कैसे कैसे हम प्रोराटा की वर्किंग करते हैं, बस वो करें। तो सब बच्चे तैयार हैं मेरे साथ सीखने समझने और देखने के लिए। इन लोगों ने 1,60,000 एप्लीकेशंस मुझको दी, तो कितने रुपए दिए होंगे उसके साथ, 4,80,000। लेकिन मैंने इनको कितने शेयर्स अलॉट करे, सिर्फ 120। तो इसका मतलब मुझे उनसे सिर्फ 3,60,000 रुपए
ही लेने चाहिए थे। तो यानी कि मैंने उनसे कितने रुपए एक्स्ट्रा ले लिए हैं? 1,20,000। ठीक है, पहले यहां तक डाउट, यहां तक किसी को डाउट, यहां तक क्लियर हो गए? अब उसके बाद ध्यान से देखना, अब मैं इन लोगों से अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा, इन लोगों से 1,20,000 शेयर्स के अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। तो मैं इनसे 6,00,000 रुपए मांगूंगा, यहां तक क्लियर? तो बताओ ये मुझे क्या कहेंगे कि हमारे 1,20,000 जो हमने पहले से आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं उसे एडजस्ट कर लो तो आपको 1,20,000 रुपए इनका जो एक्सेस है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बस वो जब आप एडजस्ट कर लोगे तो ये लोग आपको खाली खाली 4,80,000 रुपए ही पे करेंगे बस। तो हमें अपनी बस आगे एंट्रियों के लिए ये छोटी सी एक वर्किंग करनी है। तो इस छोटी सी वर्किंग में किसी बच्चे को कोई भी वैल्यू में डाउट हो तो मुझे बता दो, नहीं तो बस आप ये नोट कर लो छोटा सा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर एंट्री करेंगे। चलो बातें नहीं करनी आपस में, कोई भी दिक्कत डाउट है आप मेरे से पूछना, अपने पड़ोसी से मत पूछ लेना। फीस आपने मुझे दी है, पड़ोसी को नहीं दी है, तो कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ लेना। हाँ क्या डाउट है? अब अच्छा अच्छा वो फिर अब आने दो, वो कोई क्वेश्चन आएगा भी 83 है वो क्वेश्चन, उसमें ऐसा होगा कि आपके पास एक्सेस जो होगा वो हो सकता है ऐसा लिखो 7,20,000 आ जाए और अलॉटमेंट खाली 6,00,000 ही होगा, तो फिर हम एडजस्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा पैसे फिर भी बच जाते हैं वो फिर या तो आगे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे या रिफंड करेंगे। तो वो क्वेश्चन आएंगे, आपके दिमाग में जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच सकते हो आप वो उस तरह के सारे क्वेश्चन हैं 76 to 93 में, तो वो सारे आ जाएंगे। बस मुझे भी इस क्वेश्चन का बताओ, इस क्वेश्चन की इन फिगर में तो कोई डाउट नहीं है, इस क्वेश्चन की कहानी ये वाली क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये नोट कर लो बस आप। तो मुझे बस इसमें एक मेन चीज जो होती है वो ये चाहिए होता है कि मैंने कितने रुपए एडजस्ट करे हैं, मुझे एक ये निकालना पड़ता है मेन चीज कि मैं कितने रुपए एडजस्ट कर रहा हूं ताकि मेरी आगे की एंट्रियां सही हो जाए। चलो तो अब पहले नोट कर लिया सब बच्चों ने, कर लो अच्छा फटाफट। तब तक जिसको एंट्रीज पर आगे बढ़ना है वो आगे भी बढ़ सकता है, अगर किसी को लगता है कि मुझे जर्नल एंट्री आती है तो वो बच्चा आगे धीरे धीरे जर्नल करना भी शुरू कर सकता है, जिसने वर्किंग कर ली वो बच्चा धीरे धीरे एंट्रीज करना शुरू करे। चलो बातें नहीं करनी, बस एंट्रीज करो। कर लिया नोट? कर लिया सब बच्चों का हो गया नोट? ठीक है, अब एंट्री चेपें साथ साथ। चलो आओ, एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपके पास कितनी चिट्ठियां आई? 1,60,000। और कितने रुपए हैं एप्लीकेशन के? 3 रुपए, तो 4,80,000। इसमें बैलेंस शीट तो हम नहीं बना रहे ना, कैश बुक पूछ रहा, कैश बुक नहीं बनाना? नहीं, बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट तो अभी मैंने बोला ना, वो हमको अभी हमने शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हमने अभी नहीं पढ़ा, तो हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे, तो हम खाली जर्नल एंट्री कर रहे हैं। फिर सेकेंड एंट्री बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये बताओ क्या सारे पैसे कैपिटल में डाल दूं?
क्या ये सारे के सारे 160,000 शेयरों का पैसा क्या शेयर कैपिटल का है? ये सबको याद आ गया? शेयर कैपिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 120,000 शेयरों का पैसा ही ट्रांसफर किया जाएगा, यानी 3,60,000। और टू क्या लिखना पड़ेगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए आप अलॉटमेंट के एडजस्ट कर रहे थे? 120। तो ये हमको इस प्रकार से एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सबको स्टार्टिंग का जो प्रोराटा के एग्जांपल्स थे उसमें भी ये सिखाया था ना, ऐसे ही करते हैं। हमको अगर सारे पैसे 4,80,000 मिले, वो सारा का सारा आप शेयर कैपिटल में तो ट्रांसफर करोगे नहीं, उसमें से 1,20,000 तो अलॉटमेंट के एडजस्ट करें आपने, तो वो आप अलॉटमेंट में लिख दोगे और शेयर कैपिटल में खाली 3,60,000 ही ट्रांसफर करोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? फिर फटाफट से बताओ एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए है? 5 रुपए। तो 5 रुपए का मतलब 6,00,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,00,000। उसके बाद एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट, जब आपको पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट के, टू इक्विटी शेयर। अच्छा, SPR भी था। ओके, मैं तो देख रहा था कितने बच्चे अलर्ट हैं। तो जिन्होंने भी मेरा चेपा उनका गलत हो गया। हाँ, तुमने चेप के लिखा, मेरा तो गलत लिखा। तो शेयर कैपिटल अलग और प्रीमियम अलग। तो शेयर कैपिटल है 3 रुपए और प्रीमियम अलग लिखना है 2 रुपए। तो 3,60,000 तो शेयर कैपिटल में लिख दो और 2,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिख दो। फिर उसके बाद एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसका अमाउंट आप बताओगे कि अलॉटमेंट पर कितने रुपए मिले? 4,80,000। वेरी गुड, सही, 4,80,000। ये सबको क्लियर हो गया 4,80,000? क्लियर 4,80,000? क्योंकि हमको 6,00,000 में से 1,20,000 तो पहले ही मिल गए, पहले ही एडजस्ट कर लिए हमने। तो अब कितने बचे जो मिलेंगे? खाली 4,80,000। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री बताओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए है? फर्स्ट कॉल 2 रुपए, 2,40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। फिर एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट और क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो वो दोनों अमाउंट आप बच्चे बताएंगे, कॉल्स इन अरियर का 2,30,400 और कॉल्स इन अरियर 9,600। वेरी गुड। तो अब कॉल सिनेरियर निकालना सबको आता है या उसको दोबारा किसी बच्चे को सीखना है? फर्स्ट कॉल 4,800 शेयर थे ना बदमाश के पास, तो 4,800 शेयर इनटू 2, तो कॉल सिनेरियर हो गया 9,600। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एंट्री नंबर 7, सेकंड कॉल,
इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 240,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 240,000 एंट्री नंबर 8 बैंक अकाउंट डेबिट 230,400 कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 9,600 टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 240,000 सर फोर फीचर की एंट्री हम बताएंगे नहीं बच्चों मैं छिपवा दूंगा नहीं सर हम खुद बताएंगे हाँ रुक गया मैं तो रुका हुआ ही नहीं बस तो मैं अब एंट्री नंबर 9 में रुका हुआ ही हूँ आप ही को बतानी है वेरी गुड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो जो जो बच्चा कह रहा है एसपीआर डेबिट वो यहाँ लिख लो हम नलायक हैं नहीं लाइन भी क्यों छोड़नी है कुछ भी नहीं छोड़ना एसपीआर इसमें है ही नहीं इसमें एसपीआर बताओ क्यों नहीं लिखना हाँ क्योंकि वो उसने पे कर दिया नहीं तो जीरो लिखते नहीं है ना ऐसी कोई एंट्री नहीं होती तो इसमें एसपीआर डेबिट होगा नहीं ठीक है क्योंकि उसने प्रीमियम दे दिया है बस यही नलायकी सुननी थी हाँ क्या बोलो ना सर के आगे भी बोलो अच्छा नहीं वो यही ध्यान रखना होता है बस बच्चों अगर प्रीमियम पे हो चुका है तो फिर आपको नहीं लिखना फिर आपको इग्नोर करना है बस इसी बात का ध्यान था इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी आपकी तो प्रीमियम जब रिसीव हो गया कंपनी को तो नहीं लिखना फिर आपको ठीक है ना तो इसलिए यहाँ कोई भी प्रीमियम आएगा नहीं चलो तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में आप बताओ कितने रुपए 48,000 3, 3, 6, 2, 2, 4, 10 तो 4800 इंटू 10 48,000 फिर कॉल सिनेरियर में बताओ चलो पहले नीचे वाला बताओ कॉल सिनेरियर लिखना बड़ा आसान होता है बच्चों 9600 ये लिखा हुआ है 9600 ये लिखा हुआ है दोनों को जोड़ लो 19,200 कॉल सिनेरियो समझ गए सब बच्चे ये क्लियर और इसको निकाल लो एज बैलेंस कितना बच गया 28,800 सही 28,800 तो बस ये हो गए शेयर फोरफीट ठीक है जी हाँ मेरे से पूछो ना क्या दिक्कत है समझ आ गया तो फिर बातें किस बात की हो रही है हाँ आप सीट चेंज करता हूँ सही कहा तुमने 10th चलो अच्छा आओ बच्चों फोर फीचर में किसी को डाउट है तो मेरे से पूछना क्लियर हो गई फोर फीचर फिर लिखा था कि आपने 7 रुपए में ये रीशू भी कर दिए फुल्ली पेड 7 रुपए में रीशू भी कर दिए फुल्ली पेड चलो तो 7 रुपए में रीशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट ये आप निकालो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट ये भी आप निकालो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये मैं लिखूंगा 48,000 तो बैंक अकाउंट डेबिट वो आप बताओ
33,600। फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट भी आप बताओ। 14,400। वेरी गुड, इस पर 2 बना लो। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 48,000। तो इसमें तो किसी बच्चे को डाउट होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो अगर किसी को डाउट है तो मतलब फिर तो वो बच्चा ये चैप्टर छोड़ दे, तो क्योंकि इसमें तो रीशू सीधा सीधा दे ही रखा था। 7 रुपये का रीशू करा और 10 रुपये मतलब फुल्ली पेड था, तो 3 रुपये जो है वो डिस्काउंट ऑन रीशू हो गया। और एंट्री नंबर 11 लास्ट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कितने रुपए? 14,400। क्योंकि इसमें भी आपके मजे आ गए, सीधा 1-2 कर दिया तो 14,400। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 14,400। तो ये आ गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्लियर हो गई ये भी 77 की। सर अब और मुश्किल सवाल करो, इनमें मजे नहीं। तो पहले बच्चों मैं मुश्किल सवाल अभी करवाऊंगा। अब पहले मुझे बताओ ये वाला सवाल क्लियर हो गया? इसमें कोई भी पॉइंट का डाउट तो नहीं है आप किसी भी बच्चे को? ये क्लियर सब बच्चों को? चलो ठीक, तो अगला सवाल मुश्किल होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मतलब पहले मेंटली प्रिपेयर रहना कि सवाल जो है बड़ा सवाल है, उसमें मुझे कुछ नई बातें नहीं सिखानी है, फर्स्ट टाइम नई चीज़ें सिखाऊंगा उसके अंदर। तो बढ़ू आगे? ये सबका हो गया डन। कौन सी एंट्री? अच्छा ये लिख लो। अच्छा तो 14,400, इसमें तो सारे शेयर्स फोरफिट और रीशू हो रहे होते हैं ना, तो सीधा 1-2 भी कर सकते हो। चलो ठीक है, अब ध्यान से करना बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये कर हो गया सबका नोट? तो अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम नंबर 83। ठीक है, आप इस पर लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मुझे एक न्यू कॉन्सेप्ट भी सिखाना है आज। न्यू कॉन्सेप्ट मतलब सवाल के अंदर ही वो बात आएगी। ठीक है, तो अब बस ध्यान से मेरे साथ पहले पढ़ना, इसमें काफी चीजें करवाऊंगा आपको। A Limited invited application for issuing 1 lakh share of 10 each at a premium of ₹1 per share. The amount was payable as follows: on application ₹3, on allotment ₹3 including premium, on first call ₹3 or second call balance amount. Application for 1,60,000 share were received. Allotment was made on the following basis. Number 1 category. एप्लीकेंट फॉर 90,000 शेयर्स को हमने दिए 40,000 शेयर्स। कैटेगरी नंबर 2, एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स को हमने दिए 40,000 शेयर्स। कैटेगरी नंबर 3, एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स को हमने दिए फुल शेयर्स मतलब 20,000 शेयर्स। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। इस लाइन का मतलब है कि आपको एप्लीकेशन पर अगर कोई भी एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे तो उनको आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट के अंदर भी और कॉल्स के अंदर भी। इसमें वो पॉइंट है जो आप पूछ रहे थे। तो इस क्वेश्चन में हमको इतना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी वो बच जाएगा, तो फिर अब हम उसको कॉल पर भी एडजस्ट करेंगे। क्लियर? ऋषभ, ए शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1500 शेयर belong to category 2 did not pay allotment, first call and second and final call. Another Badmash, Sudha, who applied for 1800 shares and belong to category 1 did not pay the first and second and final call. All the shares of Rishabh and Sudha were forfeited.
and were subsequently reissued at Rs. 7 per share fully paid up. Pass the necessary journal entry in the books of A Limited. Open calls in arrear account and calls in advance account wherever required. Delhi and All India 2018 का सवाल है, तो मतलब अब लगा लो जो पिछले साल जो बच्चों ने पेपर दिया था, तो ये था, दिस इज योर प्योर एग्जाम का क्वेश्चन, तो वो करेंगे. हाँ हाँ, अरे 100 आए बच्चों के, तुम कह रहे हो बच्चे क्वेश्चन कर पाए थे. तो 10 रुपए का शेयर है. अब ये मेरे साथ साथ ही बना लो, क्योंकि फिर नहीं तो टाइम वेस्ट होगा. ये आप मेरे साथ साथ ही बना लेना बच्चों. 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए हैं एप्लीकेशन के, 2+1 है अलॉटमेंट के, 3 रुपए हैं फर्स्ट कॉल के, और कितना बैलेंस बच गया, ब्रेन टीजर 2 रुपए हैं सेकंड कॉल के. एक बदमाश है ऋषभ, ऋषभ ने अप्लाई करे हैं 1500 शेयर्स, और ऋषभ बहुत बड़ा बदमाश है. इसने एप्लीकेशन के पैसे के अलावा ना तो अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया. और दूसरी बदमाश है सुधा, और सुधा के बारे में लिखा है, सुधा अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स. सुधा ने 1800 शेयर अप्लाई करे हैं, और सुधा थोड़ी सी छोटी बदमाश है, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया. फिर मैं इधर बना देता हूँ एप्लीकेशंस का भी ब्रेकअप. टोटल एप्लीकेशंस जो हमको रिसीव हो रही हैं वो लिखा है 1,60,000 हो रही हैं, जिसके अंदर कंपनी ने 3 कैटेगरियाँ बना दी. कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 90,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स अलॉट करे. तो इसको आप क्या बोलते हो, प्रोराटा, वेरी गुड. इसका रेशो है 9:4. ये है कैटेगरी 1. तो जो सुधा है वो इस कैटेगरी की बदमाश है, ये लिखा था कि सुधा बिलोंग्स टू कैटेगरी 1. दूसरी कैटेगरी कंपनी ने बनाई कि 50,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स अलॉट करें, इसको भी आप क्या बोलते हो, इसको भी प्रोराटा ही बोलते हैं, लेकिन इसका रेशियो अलग है, 5:4. ये है कैटेगरी 2. तो ऋषभ जो है वो इस कैटेगरी 2 का बदमाश है, ये दे रखा था सवाल में. और तीसरी कैटेगरी कंपनी ने बना ली कि 20,000 शेयर वाले एप्लीकेंट्स को फुल, यानी पूरे के पूरे 20,000 शेयर दे दिए. तो इससे ये कुछ नहीं है हम, हमारे लिए इससे हमको कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं. ये सवाल है. और बाद में लिखा है कि भाई ऋषभ और सुधा के शेयर्स फोरफीट हो गए हैं, और जिनको हमने बाद में 7 रुपए में रीइशू कर दिया. तो ये हम बाद में याद रखेंगे जब रीइशू करेंगे कि 7 रुपए में हमने इनको रीइशू कर दिया है. तो पहले सवाल समझ आया, इतना सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन. तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट, अब मैं सिखाना शुरू करूं, ठीक है? तो ध्यान से देखना बच्चों, बस आप कोशिश करना इसमें कॉन्सेंट्रेशन आपकी बनी रहे. पहले मैं ऋषभ की बात कर लेता हूँ, ठीक है? पहले मैं ऋषभ की बात कर लेता हूँ. ऋषभ जो है वो इस कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है, ऐसा दे रखा है कि ऋषभ जो है वो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है. कैटेगरी 2 को ध्यान से देखना है. कैटेगरी 2 में ये लिखा हुआ है कि जो आदमी अप्लाई करेगा 5 शेयर, उसको कंपनी कितने शेयर अलॉट कर रही है, 4 शेयर. ये 50 और 40 का ये जो रेशियो है 5:4, इसका मीनिंग तो सबको पता है ना,
कि कंपनी में जो 5 शेयर अप्लाई करेगा उसको कितने शेयर मिलेंगे, 4 शेयर मिलेंगे। अब लिखा हुआ है कि जी ऋषभ ने 1500 शेयर अप्लाई करे हैं, ये लिखा हुआ है। तो जिसने 5 अप्लाई करे हैं उसको अगर 4 मिल रहे हैं, तो जिसने अगर 10 करे होंगे तो उसको 8 मिले होंगे, तो जिसने 15 करे होंगे तो उसको 12 मिले होंगे। तो अगर ऋषभ ने 1500 शेयर अप्लाई करे तो ऋषभ को कितने शेयर से अलॉट हुए होंगे, 1200। तो आपको पहले तो छोटा सा ये निकालना पड़ता है कि भाई इसका मतलब ऋषभ के पास कितने शेयर्स हैं, 1200 शेयर्स हैं। तो ये फिगर पहले आपको मिसिंग, पहले तो सवाल पढ़ के ये निकालनी पड़ती है कि भाई ऋषभ के पास कितने शेयर्स हैं, तो ऋषभ के पास हैं 1200 शेयर्स। तो इसमें डाउट किसी को, क्लियर? ठीक है, डाउट पूछ लेना समय पर, फिर आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर बाद में नहीं। ऋषभ के शेयर क्लियर हो गए, ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तरह दे रखा था सुधा के बारे में कि सुधा जो है वो बिलोंग करती है कैटेगरी 1 से। सुधा के बारे में ये दे रखा है कैटेगरी 1। तो एक बार कैटेगरी 1 पे भी ध्यान से नजर फेरो। प्रोराटा रेशियो है 9:4, जिसका मतलब ये, कैटेगरी 1 का मतलब ये, अगर आप 9 शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 4 शेयर मिलेंगे। तो अगर आप 9 शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो 4 शेयर मिलेंगे। तो जिसने अगर 18 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा उसको 8 शेयर मिलेंगे। अब सुधा ने अप्लाई करे हैं 1800 शेयर्स, तो सुधा को कितने शेयर अलॉट हुए होंगे, 800। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसका मतलब सुधा को मिले हैं, सुधा के पास हैं 800 शेयर्स। तो ये सबको क्लियर? इसमें डाउट? नो डाउट, क्लियर हो गया, ठीक है। पहले यहां तक सबको ऑल क्लियर, डाउट तो नहीं? अब मैं आपको एक वर्किंग करके दिखाऊंगा, सिर्फ आराम से बैठे रहना, सिर्फ उसको सुनते रहना और मेरे को बता देना कि समझ आया या नहीं, ठीक है? सिर्फ आपको सुनते रहना है। मैं आपको पहले ऋषभ की वर्किंग कुछ करके दिखा रहा हूँ, बस मुझे ये बता देना सर हमको समझ आ गया या नहीं आ गया। अब ऋषभ की वर्किंग जब मैं करूँगा तो आपकी नज़रें बिल्कुल सिर्फ हर जगह से हटा देना। कोई बच्चा ये ना बोले सर यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, सुधा में मुझे वो नज़र आ रहा है। आपको कहीं नहीं देखना, सिर्फ कहाँ देखना है, ऋषभ पर देखना। मैं सब सिर्फ और सिर्फ ऋषभ की बात करने जा रहा हूँ, तो सब बच्चे ध्यान से अलर्ट रहना और मेरे साथ सिर्फ ऋषभ की बात करना, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो भूल जाओ सुधा को। चलो अब सुनो मेरी बात, ऋषभ ने कितने शेयर अप्लाई करें, 1500 शेयर अप्लाई करें, तो इसका मतलब ऋषभ ने मुझे 4500 रुपए दिए होंगे। इसका मतलब ऋषभ ने मुझे कितने रुपए दिए होंगे, 4500। लेकिन ऋषभ को मैंने अलॉट करे हैं 1200 शेयर, तो दैट मींस 1200 के हिसाब से ऋषभ को सिर्फ 3600 रुपए ही देने चाहिए थे मुझे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऋषभ ने मुझे 1100 रुपए क्या दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए। यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब ऋषभ ने हमको कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 900 रुपी एक्स्ट्रा दे दिए हैं। सॉरी, इसका मतलब ऋषभ ने हमको कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, 900 रुपी एक्स्ट्रा दे दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर आप कुछ महीने के बाद जब अलॉटमेंट का दिन आएगा तो आप ऋषभ से कितने रुपए मांगोगे अलॉटमेंट पे, बताओ। अब ये आप बताओ पहले, अलॉटमेंट के टाइम पर अब आप ऋषभ से कितने रुपए मांगोगे, 3600। वेरी गुड, सही, यही मांगोगे 3600। नहीं, उसका रीजन बता देता हूँ, ऋषभ के पास शेयर कितने हैं, 1200। तो आप तो ऋषभ से सिर्फ अब 1200 शेयर के पैसे मांगोगे ना, भाई कंपनी ने कितने शेयर अलॉट करे ऋषभ को, 1200। तो अब कंपनी तो आगे हमेशा कितने शेयर के पैसे मांगेगी, 1200 शेयर के पैसे मांगेगी। तो 1200 × 3 रुपए कितने रुपए मांगेगी, 3600। अब मेरी बात सब बच्चों को ध्यान से सुनिए, नया कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया। मैं देखो 3600 को कैसे लिख रहा हूँ, मेरा स्टाइल देख, 3600 को लिखने का, मैंने 3600 ही लिखे हुए हैं, सबको 3600 नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा स्टाइल ये है
कि हमको 3600 में फेस वैल्यू वाले पोर्शन को अलग लिखना है और प्रीमियम वाले पोर्शन को अलग लिखना है। पहले इसमें कोई दिक्कत डाउट तो नहीं, 3600 है। अब जब ऋषभ से हम 3600 रुपए मांगेंगे तो ऋषभ हमको क्या बोलेगा कि 900 रुपए मेरे क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब सुनना बच्चों, जो मुझे आपको नया पॉइंट आज सिखाना, जब भी पैसे एडजस्ट किए जाते हैं इसका एक नियम होता है जो मैंने आपको आज तक छुपा के रखा था, वो कभी बताया नहीं था क्योंकि वो नियम इन बड़े सवालों में ही लगाने की आवश्यकता पड़ती है। वो नियम ये होता है कि जो भी ये 900 रुपए हम एडजस्ट करेंगे ऋषभ के, तो नियम ये है कि वो पहले हमेशा फेस वैल्यू पे ही एडजस्ट होंगे और अगर फिर भी कुछ बच जाएगा तो फिर वो प्रीमियम पर एडजस्ट करे जाएंगे। ये नियम होता है कानून के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो 900 रुपए जो एक्सेस हमको मिले हुए हैं, वो 900 रुपए पता है मैं पहले कहां एडजस्ट करूंगा, फेस वैल्यू की तरफ एडजस्ट करूंगा, इधर की तरफ एडजस्ट करूंगा। और प्रीमियम पर एडजस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 900 रुपए एक्सेस थे, वो 900 के 900 रुपए फेस वैल्यू को ही एडजस्ट करते करते में ही खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये कि कितने रुपए बचे, 2400 माइनस 900 1500, और 1200 में से कुछ भी नहीं एडजस्ट हुए तो 1200, तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 2700 हो गए, ठीक है। अब दो मिनट तसल्ली से मेरी बात ध्यान से सुनो, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैंने ये ब्रेकअप ऐसे करना सिखाया। अब अगर आप नॉर्मली सवाल सॉल्व कर रहे होते तो आप ड्यू ऑन अलॉटमेंट में टोटल कितने लिखते, आप 3600 लिखते, और आप उसी 3600 में से सीधा सीधा कितना माइनस करते, 900 माइनस करते, तो 3600 में से 900 माइनस करो तो क्या आएगा, 2700 आएगा। लेकिन मेरे पास उस 2700 का बस ब्रेकअप होना चाहिए, तो दैट इज द मेन पॉइंट जो मेरे को आज सिखाना है कि 2700 का आपके पास ब्रेकअप होना चाहिए कि उस 2700 के अंदर फेस वैल्यू का पोर्शन कितना है और प्रीमियम का पोर्शन कितना है, क्योंकि ये हमारी आगे की जर्नल एंट्रियों पर प्रभाव डालती हैं बातें। तो ये मुझे आपको आज सिखाना था, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ ये समझ आ गया पॉइंट, सब बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहा हूं, तो ऋषभ से हमने मांगे कितने रुपए मांगे, 3600, लेकिन ऋषभ ने कहा कि मेरे 900 रुपए तो एडजस्ट कर लो, तो कितने बच गए, 2700। तो क्या ऋषभ 2700 क्या ऋषभ अलॉटमेंट के पैसे दे रहा है हमको, क्या देखो क्या ऋषभ ने हमको अलॉटमेंट दिया, नहीं दिया, तो दैट मींस ऋषभ हमको 2700 पे नहीं कर रहा। तो मैं इस वाले क्रॉस के नीचे छोटा सा 2700 लिख रहा हूं, तो बस मुझे बता देना कि कोई डाउट किसी को कि मैंने 2700 कैसे निकाला इस बात को लेकर, और मेरे पास उस 2700 का ब्रेकअप भी है। ये क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब सेम कहानी मैं करूंगा, ऋषभ कौन सी कैटेगरी का था, कैटेगरी टू का था, कैटेगरी टू को बिलोंग करता था ऋषभ, तो मैं आपके लिए प्रो राटा जो कैटेगरी टू है सेम वर्किंग इसकी भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे सवाल में कुछ और नजर नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ इस कैटेगरी को देखना है, इस प्रोराटा कैटेगरी को देखना है, मैं इनके बारे में सॉल्व कर रहा हूं अब सवाल, तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, ठीक है। इन्होंने कितने रुपए दिए एप्लीकेशन के, बताओ आप, इन लोगों ने, सिर्फ इनकी बात करनी और कुछ मत देखना शुरू कर देना इधर उधर, सिर्फ इन लोगों ने जिन्होंने 50,000 शेयर्स अप्लाई करे, तो इन्होंने एप्लीकेशन के कितने रुपए दिए होंगे, 1,50,000। लेकिन देने कितने चाहिए, 1,20,000। ये क्लियर पहले, हाँ ये प्रोराटा इसकी सॉल्व कर रहा हूँ, समझ आ रहा है सब बच्चों को, ये दोनों फिगर क्लियर। तो इन लोगों ने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 30,000। फिर आप इन लोगों से अलॉटमेंट के 3 रुपए जब मांगोगे तो कितने रुपए मांगोगे, 1,20,000। इसमें आपको ब्रेकअप की कोई आवश्यकता नहीं होती, ब्रेकअप सिर्फ किसके लिए चाहिए होता है, बदमाशों के लिए चाहिए होता है, कैटेगरी के लिए हमको कोई ब्रेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम इनसे सीधे सीधे 40,000 शेयर्स के 3 रुपए मांगेंगे,
अलॉटमेंट के 1,20,000 रुपए मांगेंगे। तो ये लोग क्या बोलेंगे हमसे कि 30,000 रुपए हमारे जो पुराने एक्स्ट्रा हैं वो आप क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। तो कितने रुपए बच गए, 90,000 रुपए बच गए। अब ध्यान से सुनना, इन कैटेगरी के लोगों के अंदर, इन कैटेगरी के लोगों के अंदर एक बदमाश छुपा बैठा है जिसका नाम है ऋषभ, और ऋषभ ने आपको अलॉटमेंट पर कितने रुपए नहीं दिए हैं, बोलो कितने रुपए नहीं दिए, जवाब देते रहे ना साथ साथ। 2700 रुपी ऋषभ ने नहीं दिए। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इस कैटेगरी के लोगों से आपको अलॉटमेंट पर सिर्फ 87,300 रुपए ही मिलेंगे, ये मतलब है। तो अब आपको मैं दे रहा हूं एक मिनट, इस वर्किंग को देखो समझो, और अगर डाउट लगेगा तो मुझसे पूछना कि सर हमको ये पॉइंट की वर्किंग में, ये वैल्यू में डाउट है, ठीक है। इसको खुद से एनालाइज करो, मैंने आपको इस कैटेगरी की वर्किंग करके दिखाई है, इस कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी को यहां से चेक करो, फिर मुझे बताना कि सर इसमें डाउट है। तो बताओ अब मेरे से पूछ लेना किसी को डाउट है। सबसे पहले मुझे बताओ 1,50,000 की फिगर सबको क्लियर, फिर 1,20,000 की फिगर सबको क्लियर। तो इन लोगों ने हमको कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, इन लोगों ने 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, यहाँ तक क्लियर। फिर ये लोग अलॉटमेंट पे 40,000 शेयर और 3 रुपए, कितने रुपए हम इनसे मांगेंगे, 1,20,000। तो ये क्या बोलेंगे कि हमारे 30,000 एक्स्ट्रा हैं, आप वो एडजस्ट कर लो। मैंने एडजस्ट कर लिए तो कितने रुपए लूंगा मैं इनसे, अब 90,000। लेकिन इन लोगों के अंदर, इन लोगों के अंदर एक कौन भी है, ऋषभ भी है, और ऋषभ हमको अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दे रहा, 2700 नहीं दे रहा। तो पहले बताओ क्या हमको 90,000 मिल जाएंगे क्या पूरे, क्या हमको इन लोगों से 90,000 पूरे मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने 2700 को माइनस करा और ये अमाउंट लिखा, मतलब ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट। और फिर ना वो मुश्किल हो जाता है, और फिर हमको ना ये ऋषभ की अमाउंट अलग निकालने की भी आवश्यकता पड़ती है एंट्री के लिए, तो इसीलिए हमको ऋषभ के लिए अलग करना पड़ता है, और ये तो एक मेन बड़ी कैटेगरी होगी तो इसके लिए अलग करना पड़ता है। इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ कि हमको बड़े क्वेश्चन के अंदर ये वर्किंग अलग अलग करनी पड़ती है, ठीक है, पहले क्लियर। अच्छा अब आपको और अलर्ट होना पड़ेगा बच्चों, अब आपको अपने कॉन्सेंट्रेशन को बिल्कुल चरम सीमा पर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब सुधा की जब वर्किंग सिखाना शुरू करूंगा तो हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए चक्कर भी आने शुरू हो जाएं, घबराहट भी हो, तो अब तो आपको कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल पीक पर, इस समय चरम सीमा पर आपका कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए, और सब बच्चों का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सुधा के इन शेयर्स की बातों पर होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातें सुनिए, सुधा ने कितने शेयर अप्लाई करे हैं बताओ, आप बताओ, आपसे पूछता रहूंगा ताकि आप इंटरेक्टिव रहो। 1800 शेयर अप्लाई करें तो सुधा ने इसका मतलब 5400 रुपए हमको दिए हैं, ओके, ये तो डाउट नहीं है। अब सुधा को लेकिन मैंने कितने शेयर अलॉट करे, ओनली 800, तो सुधा से मुझे कितने रुपए लेने चाहिए, 2400, इसमें कोई डाउट, इसमें तो डाउट नहीं है। तो इसका मतलब सुधा हमको कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर चुकी, 3,000, यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ी देर के लिए अपने आप को आपको सुधा समझना है और मेरे को कंपनी समझना है, आप मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा दे चुके हो, सोचना है सबको, 3,000, ये याद रखना, आपने मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, 3,000, ठीक है। अब मैं सुधा यानी आपसे 800 शेयर हैं आपके पास, अब मैं आपसे अलॉटमेंट के 3 रुपए मांग रहा हूँ, तो 800 रुपए, 800 शेयर और 3 रुपए कितने हो गया, 2400, हाँ तो 2400 करूंगा ना, मैं लिखूंगा, मेरा स्टाइल देखना लिखने का। तो मैंने आपसे कितने रुपए मांगे, 2400 रुपए मांगे। अब मैं यहां रुक रहा हूं, यहां तक किस किस को डाउट, यहां तक कोई डाउट तो नहीं, ये क्लियर। तो आपने मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 3,000, और मैं आपसे कितने रुपए मांग रहा हूँ, 2400, आपका क्या जवाब होगा कि सर उसी में से एडजस्ट कर लो। तो मैं आपके
पूरे के पूरे 2400 एडजस्ट कर लूंगा? बोलो हाँ। मैं आपके पूरे के पूरे कितने रुपए एडजस्ट कर लूंगा अलॉटमेंट के? 2400। अब सुनना है ध्यान से, आप सुधा हो, ध्यान से सुनना, आपको सुधा बन के सोचना पड़ेगा। अब ये बताओ कि आपने मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए थे? 3000। और अलॉटमेंट पर मैंने आपसे कितने मांगे? 2400। वो आपके पूरे के पूरे पुराने में से एडजस्ट हो गए। अभी भी क्या आपके कुछ एक्स्ट्रा बचे हुए हैं मेरे पास? कितने बचे हुए? 600। वेरी गुड। तो अब मैं आपसे फर्स्ट कॉल के पैसे मांग रहा हूं। बच्चों आप सुधा हो, 800 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं? 3 रुपए। तो फर्स्ट कॉल पर मैं आपसे कितने रुपए मांगूंगा? 2400 मांगूंगा। अब बताओ, आप सुधा हो थोड़ी देर के लिए, अब मैं अगर आपसे फर्स्ट कॉल के 2400 रुपए मांग रहा हूं तो आपका क्या जवाब होगा? कितने एडजस्ट कर लूं? वेरी गुड, बस यही मुझे पूछना था। तो मैं आपके कितने रुपए एडजस्ट कर लूंगा? 600। तो कितने बच गए? 1800। अब देखो इधर क्रॉस पर देखो, क्या सुधा फर्स्ट कॉल के पैसे दे रही है? क्या लिखा है? क्रॉस है ना, तो इसका मतलब ये हमको ये पता चल गया कि सुधा फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए नहीं दे रही? 1800 रुपए नहीं दे रही। तो हमको सुधा की वर्किंग करके ये पता लगा कि सुधा मैडम फर्स्ट कॉल पर 1800 रुपए नहीं दे रही हैं। ये निकाला हमने सुधा की वर्किंग करके। तो अब आप सब बच्चे देखो कि आपको सबको सुधा की वर्किंग समझ आ गई? समझ आ गई? और आपका पॉइंट हैंडलिंग क्लियर हो गया? यही पूछ रहे थे ना आप कि सर अगर कभी कभी 3000 एक्सेस ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो 2400 यहां एडजस्ट हो गया और 600 बाकी 600 यहां एडजस्ट हो गया, क्वेश्चन ने कहा था। ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? सुधा की वर्किंग में कोई डाउट तो नहीं है? सवाल में ये नहीं बोल सकता था वो कि उसने नहीं दिए, क्योंकि सुधा के ऑलरेडी नहीं पे, नहीं नहीं ये इसका मतलब ये नहीं है कि पे करे, इसका टिक का मतलब है उसके पैसे आ गए, बस उसने अपने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के पैसे नहीं दिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला होता है कि सुधा डिड नॉट पे हर फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ये मतलब था। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर सुधा की वर्किंग? अब उसके बाद दोबारा से अलर्ट रहना आपको। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब सुधा जो है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है? अब बस यहां देखते रहना, अब आपको सबको फर्स्ट कैटेगरी में देखते रहना है बच्चों, सब बच्चे सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी को देखते रहेंगे। अब मैं आपसे ही पूछूंगा, बताओ इन लोगों ने 90,000 एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करा, शेयर्स के लिए कितने रुपए दिए? 2,70,000। वेरी गुड। लेकिन इनको मैंने 40,000 शेयर अलॉट करे, तो इनको कितने शेयर्स, इनको कितने रुपए देने चाहिए? 1,20,000। तो इन लोगों ने मुझे, इन कैटेगरी वन के लोगों ने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए? 150। तो पहले यहां तक मैं रुक रहा हूं, यहां तक डाउट किसी को? ये क्लियर। अब आप इन लोगों से अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगोगे तो कितने रुपए मांगोगे? 40,000 और 3 रुपए, 1,20,000। अब सोचना है, 2 मिनट रुक के जरा सोचना है बच्चों जी, ये लोग कितने रुपए एक्स्ट्रा दे चुके हैं? 1,50,000। और आप इनसे अलॉटमेंट पर कितने मांग रहे हो? 1,20,000। तो ये लोग तो क्या बोलेंगे कि हमारे 120 एडजस्ट कर लो, तो मैंने एडजस्ट कर लिए। अब ये बताओ अभी भी इनके कितने पैसे बचे हुए हैं? अभी भी इनके 30,000 रुपए बचे हुए हैं। ये सब बच्चों को बातें क्लियर हो गई? यहां तक कोई डाउट? तो अब मैं इनसे फर्स्ट कॉल पर, अब इनसे फर्स्ट कॉल पर मैं 3 रुपए लूंगा, कितने रुपए लूंगा? 1,20,000। तो ये मुझसे अब क्या बोलेंगे कि 30,000 हमारे क्या करो, एडजस्ट कर लो। अब यहां तक सबको समझ आ गया? कोई डाउट वर्किंग में किसी को तो नहीं? तो कितने रुपए बच गए? 90,000। अब क्या मुझे फर्स्ट कॉल पर पूरे 90,000 मिले हैं? वेरी गुड। 1800 सुधा ने नहीं दिए, तो दैट मींस मुझे फर्स्ट कॉल पर सिर्फ
88,200 रुपए मिले हैं। इसका मतलब मुझे फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए मिले हैं? सिर्फ 88,200। ये समझ आया? 90,000 में से 1,800 रुपए सुधा ने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो सिर्फ कितने रुपए हमको मिले हैं फर्स्ट कॉल पर? ओनली 88,200। पहले कहानी सारी क्लियर हो गई? ठीक है, तो पहले मुझे आपको इसमें ना यही दो तीन नई बातें सिखानी थी, तो ध्यान से सुनना आज क्या क्या नई बातें सिखानी थी। एक तो कि कैसे अप्लाइड के और अलॉट्स के ये शेयर फाइंड आउट करें। दूसरी चीज, जो भी ये बदमाश होते हैं इनके अलॉटमेंट के टाइम का आपको ये ब्रेकअप बना लेना चाहिए, ये आगे जब एंट्री बताऊंगा तब काम आएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज कि ये वर्किंग कैसे चल रही है, वो सबको क्लियर हो गई बात? तो ऋषभ और उसकी कैटेगरी, सुधा और उसकी कैटेगरी, ठीक है? तो अब पहले आप सब बच्चे इसको प्रॉपरली नोट कर लो। चलो तो अब जर्नल एंट्री करते हैं, वर्किंग सारी हो गई। लिखो नंबर वन, चलो बातें नहीं आगे, दोनों बच्चे बातें नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, अब ध्यान ध्यान से लिखना, मुझे इसमें भी कुछ बातें डिस्कस करनी, हो सकता है आपको कुछ रह जाए। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें आपको लिखना है टोटल एप्लीकेशन 1,60,000 और 3 रुपये, यानी 4,80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू, अब पहला सवाल आपके लिए मेरा ये, टू शेयर कैपिटल, क्या सारे 4,80,000 को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। कंपनी के पास थे सिर्फ 1,00,000 शेयर्स, तो आप 1,00,000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए का मतलब हो गया सिर्फ 3,00,000 रुपए ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो। तो बचे पैसे और क्या होगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें लिखते हैं कि आपने कितना एक्सेस एडजस्ट करा है अलॉटमेंट का, इसमें वो लिखते हैं। तो आपने अलॉटमेंट का कितना रुपया एडजस्ट करा है? लगाओ बुद्धि, 180। तो गलत है आंसर, 180 तो नहीं है आंसर। तो ये, हाँ ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे सोचते हैं ये हम एग्जाम में बैलेंस निकाल देंगे, आज उन बच्चों को सबक मिल गया कि ऐसे बड़े एग्जाम के सवालों में ये कलाकारी नहीं चलेगी। तो ये 1,80,000 जो है ये गलत आंसर है। तो जो बैलेंस वाले बच्चे हैं आज उनकी कलाकारी भी फेल हो गई इस सवाल। तो सोचो बच्चों, मैं हिंट दे रहा हूं, आपको ये देखना है कि आपने कितने एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करा है जो अलॉटमेंट का है। ये पीछे वर्किंग में से देख के मुझे बताने की कोशिश करनी है, गलत सही जो भी। 150, वेरी गुड। तो पहले लिखो फिर मैं भी सबको दिखाता हूँ। 150, ठीक है, पहले लिखो फिर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने लिखा था ना कि जो हम अलॉटमेंट के पैसे एक्सेस एडजस्ट करते हैं, अब मुझे समझाने दो बच्चों, वापस में फिर बात, अब या तो मैं समझाऊं या आप समझाओ। अब अलॉटमेंट पे हमने कितने रुपए एडजस्ट कर रखे हैं वो चेक करते हैं एक बार, ठीक है? पहले इस कैटेगरी की बात करते हैं। इन लोगों के आपने 30,000 रुपए अलॉटमेंट पर एडजस्ट करे, बोलो हाँ। और इस कैटेगरी के, प्रोराटा वन कैटेगरी के, आपने 1,20,000 रुपए अलॉटमेंट पर एडजस्ट करे, बोलो हाँ। तो इनके 30,000 एडजस्ट करे हैं, इनके 1,20,000 एडजस्ट करे हैं, तो अलॉटमेंट पे आपने कितने रुपए एडजस्ट करे? 1,50,000। तो आपको ये अमाउंट देखने पड़ते हैं बच्चों कि आप प्रोराटा कैटेगरीज में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
आप प्रो राटा कैटेगरीज में कितने रुपए अलॉटमेंट के एक्सेस एडजस्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। तो आपने 1,50,000 रुपए को अलॉटमेंट का एडजस्ट करा है, उसको बोलते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। अब मैं बताता हूं 180 क्यों नहीं होना चाहिए। इस कैटेगरी को ध्यान से देखना, इनके, हाँ एक बच्चा सही बोल रहा है पीछे, इनके 1,50,000 में से 1,20,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट करें, लेकिन 30,000 आपने कहां एडजस्ट करें? 30,000 तो कहां एडजस्ट करें? फर्स्ट कॉल में। इसीलिए मेरे को 30,000 जो है वो अलग से लिखना पड़ेगा। इसीलिए आप 1,80,000 नहीं लिख सकते शेयर अलॉटमेंट के अंदर, आपको शेयर अलॉटमेंट के अंदर खाली 1,50,000 लिखना पड़ेगा, और 30,000 रुपए तो आपको फर्स्ट कॉल के मिले हैं, तो वो आपको अलग से 30,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। तो पहले मुझे बताओ ये वैल्यू सबको क्लियर, किसी को इसमें डाउट? अब बोलो हाँ या ना, तो मैं दोबारा समझाऊं, हाँ तो आगे बढ़ो, क्लियर? चलो तो इसके लिए क्या लिखना है बताओ? नहीं लिखना टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड कॉल के जो भी पैसे आपको एडवांस में मिलते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था आपको टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट लिखना पड़ता है, और सवाल में भी दे रखा था कि हाँ एडजस्ट भाई आप, अच्छा आप ऐसा सोचो सुहानी मैडम, आपने सपोज मुझे बहुत सारे पैसे एडवांस में दे दिए अभी से एप्लीकेशन के टाइम पर, आपने सपोज मुझे दे दिए बहुत सारे पैसे एडवांस में, उसमें से मैंने कुछ पैसे आपके फिर अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने हैं, कुछ पैसे आपके फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करने हैं, तो जो आपने मुझे एडवांस में खूब सारे पैसे दे दिए एप्लीकेशन के, उनमें मैं फर्स्ट कॉल के आपके पैसों को मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ना कॉल से इन एडवांस बोलूंगा। तो जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल इस कैटेगरी को ध्यान से समझो, इन लोगों ने हमको कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, आप खुद बोलो अपने मुंह से कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए? 150। इस 150 का मतलब समझो, आप इस 150 में से 1,20,000 तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हो, मतलब एक तरह से ये आपको एडवांस मिला हुआ है अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट के एडवांस को हम कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलते, मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए तो हम टू शेयर अलॉटमेंट ही लिखते हैं। और 30,000 रुपए आपको किस चीज का एडवांस मिला हुआ है? फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल पे के एडवांस के लिए आपको कॉल्स इन एडवांस लिखना पड़ेगा। तो इन लोगों ने हमको 1,50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जिसमें से 1,20,000 तो अलॉटमेंट का एडवांस है और 30,000 फर्स्ट कॉल का एडवांस है। तो मतलब इन लोगों का मैं एडवांस अगर लिखूं तो 120 अलॉटमेंट का है और 30 फर्स्ट कॉल का है। और ये जो लोग हैं, ये वाले लोग, इन लोगों ने मुझे कितना एडवांस दिया है? 30,000। वो सारा का सारा एडवांस इनका अलॉटमेंट का ही एडवांस है, तो इन लोगों का अलॉटमेंट का एडवांस में अलॉटमेंट में लिख रहा हूँ 30,000। तो इसीलिए शेयर अलॉटमेंट में तो एडवांस बन गया 1,50,000 और फर्स्ट कॉल का एडवांस बन गया 30। हाँ, अब वो क्योंकि हमारे नियम ऐसे हैं कि फर्स्ट कॉल के एडवांस को कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के एडवांस को तो हम शेयर अलॉटमेंट ही लिखते हैं, तो हमको एंट्री इसलिए ऐसे करनी पड़ेगी। तो मैंने तो आपको कहा था बच्चों, सवाल ऐसा नहीं कि जो आप सोच रहे थे, इसमें छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 3, वो आपसे पूछूंगा, आप अलॉटमेंट के पैसे मांगने हैं आपको, बताओ एंट्री नंबर 3 फटाफट मुझे बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मांगे आपने? 3 रुपए, 3,00,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपए, 2,00,000। और टू SPR अकाउंट, 1 रुपए, मतलब 1,00,000। तो आपने 3,00,000 रुपए मांगे अलॉटमेंट के। उसके बाद कितने रुपए मिले अलॉटमेंट के, उसकी एंट्री लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बातें नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट,
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो मुझे पता है आप इसकी एंट्री के अमाउंट्स गलत बताओगे। वेरी गुड, तो टू शेयर अलॉटमेंट में तो आपको खाली पहले 1,50,000 लिखना है। टू शेयर अलॉटमेंट में आपको खाली कितना लिखना है? 1,50,000। क्यों लिखना है 1,50,000? क्योंकि 3,00,000 रुपए आप जो मांग रहे हो उसमें से 1,50,000 तो आपको पहले ही मिल चुके हैं। ये याद आ गया पॉइंट? ये तो पहले भी कई कई दफे कर चुके हो आप, तो आपको सिर्फ टू शेयर अलॉटमेंट में ओनली लिखना पड़ेगा 1,50,000। अब इसमें से बस आप मुझे ये बताएंगे इसमें से कितने रुपए आपको मिले हैं और अगर कोई बदमाश था उसने कितने रुपए आपको नहीं दिए अलॉटमेंट के टाइम के, तो बताओ कौन है अलॉटमेंट का बदमाश? ऋषभ। और उसने कितने नहीं दिए अलॉटमेंट पे? 2700। निकाली रखे इसी दिन के लिए तो निकाला था, ये वर्किंग क्यों करी थी? ऋषभ ने कितने रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट के? 2700। ये इसीलिए तो निकाला था नलायकों, तो ऋषभ ने 2700 नहीं दिए, तो बताओ कितने रुपए मिले? 147,300, राइट। तो 147,300, क्या वो सर में दर्द हो रहा है? वो तो होगा, वो तो होगा। फिर उसके बाद बढ़ू आगे, कर लिया नोट? उसके बाद एंट्री नंबर 5 बच्चों बताओ, फर्स्ट कॉल की एंट्री बताओ। बात ही नहीं बच्चों। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, लिखो कितने रुपए? 3 रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,00,000। उसके बाद एंट्री नंबर 6 कितने रुपए मिले फर्स्ट कॉल के? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,00,000। अब मुझे समझाने दोगे तो फिर मैं समझाऊं? मेरे लिखते आपस में बातें शुरू की, हो ये क्या आ गया? अब मैं समझाऊंगा ना कि क्या आ गया, वो कैसे आ गया, आपस में मत बातें करो। अब जिसको कॉन्सेप्ट ही पुराने याद नहीं होंगे वो तो यही करेगा, हो ये क्या आ गया। अब याद है बस शुरू शुरू में कॉल्स इन एडवांस के एग्जांपल जब करवाए थे, आपने यहाँ पर एक कॉल्स इन एडवांस ओपन करा है अकाउंट कि भाई फर्स्ट कॉल के 30,000 रुपए मिले आपको, ये करा था ना हमने, आपको फर्स्ट कॉल के कितने रुपए एडवांस मिले? 30,000। तो फर्स्ट कॉल पे वो आके एडवांस आपका अकाउंट बंद भी तो होगा ना भाई, तो ये वो है कॉन्सेप्ट। तो कॉल्स इन एडवांस जो है वो आपको इस वजह से लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको ये 30,000 रुपए जो है एडवांस पहले मिल गया था, उसको यहां पर आपको बंद करना पड़ेगा। अब कॉल सिन अरियर बताओ, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं मिले? आओ वो डायग्राम में देख लेते हैं। ऋषभ ने भी नहीं दिए 1,200 शेयर, 3 रुपए मतलब हो गए कितने रुपए? 36। तो ऋषभ ने 3600 नहीं दिए और सुधा ने 1,800 नहीं दिए, तो 3600 और 1,800 मतलब 5400 नहीं मिले। ऋषभ ने 3600 नहीं दिए और सुधा ने 1,800 रुपए नहीं दिए, तो 5400 नहीं मिले, तो बताओ कितने रुपए बैलेंस बच गया? 264,600। 264,600। उसके बाद सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपए मतलब 2,00,000।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, तो आपने सेकंड कॉल के 2 लाख रुपए मांगे। अब बताओ सेकंड कॉल के कितने रुपए मिले, क्या एंट्री करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल भी बच्चों दोनों ही बदमाशों ने नहीं दे रखी है, सेकंड कॉल भी ना तो ऋषभ ने दी है और ना ही सुधा ने दी है। तो ऋषभ ने 2400 नहीं दिए और सुधा ने 1600 नहीं दिए। तो 2400 ऋषभ ने नहीं दिए और 1600 सुधा ने नहीं दिए, तो 4000 रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए मिले? 196। फिर उसके बाद लिखा है कि ऋषभ और सुधा के शेयर्स फोरफीट हो गए, तो सर फोरफीट की एंट्री हम करेंगे खुद आगे। फोरफीट की आपको करनी है? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, और पक्का सोच के बोल रहे हो, अंधाधुन बोल रहे हो? SPR अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू चलो आगे बच्चों नोट करो आप भी, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू कॉल से नरियर अकाउंट। हाँ, कॉल से नरियर आओ, तो दोनों के शेयर्स फोरफीट करते हैं, एक बार देखते हैं कि ऋषभ के कितने शेयर हैं और सुधा के कितने शेयर्स हैं। आओ बच्चों आओ, 2018 के बच्चों को सलाम है मेरा, जिनके भी 90, 95, 100 आए थे, तो आपको भी बच्चों ऐसा ही बनना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सुधा और ऋषभ के पहले शेयर देखते हैं। ऋषभ के तो थे 1200 शेयर और सुधा के थे 800 शेयर। कितने शेयर हो गए टोटल? 2000 शेयर हो गए। तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितनी है? कितनी है? 10। तो इसमें तो लिख लो 20,000। अब SPR आपसे पूछूंगा, बहुत ध्यान से बताना, SPR सिर्फ नॉट रिसीव्ड वाला लिखना है, SPR सिर्फ नॉट रिसीव्ड वाला। वेरी गुड, क्योंकि सिर्फ इसने नहीं दिए, ऋषभ ने नहीं दिए। वेरी गुड, बस यही आपसे पूछना था। तो SPR नॉट रिसीव्ड सिर्फ 1200, क्योंकि ऋषभ ने नहीं दिया। अब पहले टू कॉल्स इन अरियर लिख लो, पहले ये नीचे वाला लिख लो, ये आसान है लिखना, क्योंकि कॉल्स इन अरियर आपने सारे निकाल रखे ना, बस उनको जोड़ लो। कितना था? 2700 और उसके बाद 5400 और 4000, तो कितने हो गए? 2700, 12,100। समझ गए कौन कौन से जोड़े? 2700 लिखा था एक तो कॉल सिनेरियर, एक 5400 लिखा था कॉल सिनेरियर, और एक 4000 लिखा था, तो 12,100। और ये आप निकाल लो एज बैलेंस, 9100। फिर इनके शेयर्स आपने कितने रुपए में रीशू करे थे? पढ़ो लास्ट लाइन सवाल की, 7। तो आइए बच्चों 7 रुपए में रीशू करें, तो 7 रुपए में रीशू करें। बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 6,000,
बात ही नहीं बच्चों। टू शेयर कैपिटल अकाउंट फुल्ली पेड अप का मतलब हो गया 20,000। उसके बाद एंट्री नंबर 11 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बताओ क्या आएगा? 1 माइनस 2 9100 माइनस 3100